हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में सीखने वाले हम 10 ए माइनस बी के फॉर्मूले में। पिछले वीडियो में देखे होंगे 10 ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ऐसी वीडियो ने बनाए हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे बेस पे डिपेंड है। बहुत से वीडियो को ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले मिलते रहेंगे, बस चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पुश करो, मिलते रहेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 10 ए माइनस बी के फॉर्मूले में कि कैसे इसको ओपन किया जाता है, कैसे सवाल किए जाते हैं, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे और बताऊँगा ट्रिक कि कैसे इसे याद कर पाएंगे आसानी के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला है 10 ए माइनस बी का। जैसे 10 ए प्लस बी में फॉर्मूला बताया था सेम वैसे ही होता है, बस माइनर सा डिफरेंस होता है यहाँ पर कि जैसे ए माइनस बी है पहले, तो दोनों को ए माइनस बी करके लिख दीजिए आप। इसके बाद जो भी निशान ऊपर लग रहा है उसका उल्टा लगाइए, माइनस में प्लस लगाइए, दोनों को अब एक साथ रख दो, 10 ए इंटू 10 बी आ गया। फिर से देखोगे तो 10 ए माइनस बी फॉर्मूला क्या है, 10 ए माइनस 10 बी 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी, इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखते कैसे करना है। जैसे मालूम है 10 15 का मान निकालना है, 15 के लिए क्योंकि हमें क्या करना है, ए से बी घटाना है, तो ऐसी वैल्यूज रखेंगे जहां पर हम इसको माइनस करके 15 ले आए, तो हम इसको लेस करेंगे 45 माइनस 30। अगर 45 से 30 घटाओगे 15 आ जाएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना, आपको मान वही यूज करने जो आपको पता है इसके लर्न होते हैं मान। अब इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम लोग 15 निकालेंगे, या फिर 45 में 30 कर सकते हैं, या 60 से 45 घटाएं तो भी 15 आ जाए, जो आपको सुटेबल लगे वो लगा सकते हो। आपको 15 लाना है, किस तरीके से ला सकते हो इन फॉर्मूले के हिसाब से ही। तो यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए कितना है यहाँ पर 45, बी कितना दिख रहा है 30, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे जहाँ ए है वहाँ 45 लग देंगे, जहाँ बी है वहाँ पर 30 लग देंगे इस तरीके से। तो क्या आएगा, 10 ए माइनस 10 बी, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी रख देंगे। तो 1045 के लिए 1 होती है, 1030 की होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे इसके हम एलसीएम लेंगे तो रूट 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। ऐसे नीचे 1 का मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, फिर से एलसीएम लेंगे तो हमें रूट 3 मिलेगा, रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। तो ऐसे करने से मुझे फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से कैंसिल होता है, तो कैंसिल कर देते हैं। सेकंड और फोर्थ में क्या दिख रहा है, रूट 3 एक जैसा दिख रहा है, कट कर दे, यहाँ पे कट नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लस माइनस है, अलग अलग वैल्यूज हैं, दोनों को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसके हम हर परमेकर करेंगे यानी कि कंजुगेट करेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी संख्या आपको दी जाती है नीचे हर वाले में यानी कि डिनोमीटर में, जो भी संख्या दी जाती है संख्या वही रखते हैं हम लोग, बस बीच का साइन चेंज कर देते हैं। ऐसे करने से हम ज़्यादातर आपका ऊपर फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस बी को होल स्क्वायर, तो बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे तो मिलेगा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, सारी संख्या रख दी। रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 में 1 गया 2 आ गया, 3 और 1 4 हो जाएगा अपॉन में 2, कॉमन कितना आ रहा है 2 कॉमन लेंगे तो 2 करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो 2 माइनस रूट 3, तो ये वैल्यू आएगी 10 15 के। नहीं इतना लंबा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तब जाकर 10 15 का मान मिल जाएगा। तो ये तरीका था इस तरफ से सॉल्व करने का, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपको इधर से करते से इधर लाना होता है, तो एक दूसरे एग्जाम्पल से हम समझाते हैं इस वैल्यू को कैसे इधर लेके आते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है इधर साइड से ये सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें इस फॉर्मूले से कंपेयरिंग करेंगे आप, तो क्या क्या दिखाई देगा कि ए क्या है बी क्या है। जब कंपेयरिंग की तो हमें ए की जगह क्या दिख रहा है 60 दिख रहा है, और बी की जगह क्या दिख रहा है 30 दिख रहा है, यानी ए की वैल्यू यहाँ हमें 60 मालूम हो चुकी है। ए किसके इक्वल है 60 के इक्वल है, वहीं बी किसके इक्वल है 30 के इक्वल है, वैल्यू पता है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में क्या लिखा है 10 ए माइनस बी, तो ए कितना है 60 है, माइनस बी कितना है 30, तो लेस करेंगे कितना आएगा 10 30 आ जाएगा। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो इस तरीके से करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब बहुत बड़े सवाल इसमें आते हैं कैलकुलेशन करने के, लेकिन ये तो है नहीं कि आप इतनी जल्दी हो जाएंगे, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, समझो, सवालों को लगाओ, 5-6 बार बुक्स उठाइए और बुक्स में कुछ बड़े बड़े सवाल हैं इसी तरीके से आप स्टार्ट करो, आपको आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बेचक कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट्स करें, मैं इसका श्योर आपको रिप्लाई करूंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो इस वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।